दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कलर्स टीवी पर कई सारे शो प्रसारित होते हैं, जिनमें नजर आने वाले अभिनेता अपनी अच्छी एक्टिंग और अंदाज से लाखों करोड़ों दर्शकों को दीवाना बना लेते हैं। और उन्हीं में से एक अभिनेता ऐसे हैं जो आज बहुत ही कम टाइम में अपनी एक्टिंग और अंदाज से इतने ज्यादा मशहूर हो चुके हैं कि आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, आज उस अभिनेता ने ही कलर्स टीवी के बाकी अभिनेताओं की TRP भी गिरा दी है। जी हाँ, आपने सही सुना, कलर्स टीवी के एक अभिनेता ने बाकी के अभिनेताओं की TRP गिरा दी है। तो आखिर वो अभिनेता कौन है और इन्होंने कैसे कलर्स टीवी के टॉप 8 अभिनेताओं की TRP गिरा दी है, आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वो कौन से एक अभिनेता हैं जिन्होंने इन सभी कलर्स टीवी के अभिनेताओं की TRP गिरा दी है। तो आपको बता दें, कलर्स टीवी के वो अभिनेता कोई और नहीं बल्कि रणदीप रॉय हैं, जो बालिका वधू सीजन 2 में आनंद का किरदार निभाते हुए नजर आ रही हैं। और इन्होंने ही कलर्स टीवी के बाकी के अभिनेताओं की TRP गिराई है। तो चलिए आपको बता दें, इन्होंने कैसे उन सभी अभिनेताओं की TRP गिराई है। नंबर 1, करण शर्मा। इस लिस्ट की पहली कड़ी में अभिनेता करण शर्मा का नाम शुमार है, जो इन दिनों ससुराल सिमर का सीजन 2 में रीमा के पति विवान का किरदार निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनसे इमोशनल वाला किरदार अच्छे से पर्दे पर नहीं उतर पाता है। और वहीं रणदीप रॉय से इमोशनल वाला किरदार बेहद खूबसूरती से पर्दे पर उतर जाता है, और इस तरह से रणदीप रॉय ने इनकी TRP गिरा दी है। नंबर 2, करण वी ग्रोवर। चलिए बात करें अभिनेता करण वी ग्रोवर की, जो इन दिनों उदारियां सीरियल में अंगद मान का किरदार निभाकर मशहूर हो चुके हैं, पर इनसे कुछ सीन अच्छे से पर्दे पर नहीं उतर पाते हैं। वहीं रणदीप रॉय अपने हर एक किरदार बहुत अच्छे तरीके से पर्दे पर उतार लेते हैं, जिस वजह से इन्हें उनके मुताबिक दर्शकों का ज्यादा प्यार मिल रहा है। और इस तरह से करण वी ग्रोवर की TRP रणदीप रॉय ने गिरा दी है। नंबर 3, विवियन डिसेना। इस कड़ी में टीवी इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता विवियन डिसेना का नाम शुमार है, जो मधुबाला सीरियल में ऋषभ का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी भी TRP अभिनेता रणदीप रॉय ने गिरा दी है। जी हाँ, आज ये विवियन डिसेना के मुताबिक ज्यादा फेमस हो चुके हैं, जिस वजह से विवियन डिसेना की TRP यानी की पॉपुलैरिटी गिरती हुई नजर आती है। नंबर 4, माहिर पांधी। इस लिस्ट की चौथी कड़ी में अभिनेता माहिर पांधी का नाम शुमार है, जो छोटी सरदारनी सीरियल में राजवीर का किरदार निभाकर मशहूर हो गए थे, पर इनकी पॉपुलैरिटी रणदीप रॉय के अकॉर्डिंग बहुत ही कम बढ़ी है, जिस वजह से आज रणदीप रॉय ने इनकी TRP गिरा दी है। नंबर 5, अविनाश मुखर्जी। छोटी सरदारनी सीरियल में सरबजीत का किरदार अभिनेता अविनाश मुखर्जी निभाते हुए नजर आ रहे थे, और इनकी भी TRP रणदीप रॉय ने गिरा दी है। जी हाँ, रणदीप रॉय इन दिनों बालिका वधू सीजन 2 में आनंद का किरदार निभा रहे हैं और अपनी लव केमिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा मशहूर हो चुके हैं। वही इनसे ज्यादा मशहूर अविनाश मुखर्जी छोटी सरदारनी सीरियल में नहीं हो पाए थे, और इस तरह से उन्होंने इनकी TRP गिरा दी है। नंबर 6, करण कुंद्रा। बिग बॉस 15 में AJ कंटेस्टेंट के तौर पर दिखाई दे रहे अभिनेता करण कुंद्रा का इस शो में अंदाज कुछ खास पसंद नहीं किया जा रहा है। वहीं रणदीप रॉय के बालिका वधू सीरियल में नजर आ रहे सिंपल अंदाज को दर्शक बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और इस तरह से रणदीप रॉय ने अपने शो की TRP बढ़ाकर बिग बॉस शो की TRP गिराकर इनकी भी TRP गिरा दी है। नंबर 7, आकाश आहूजा। टीवी के उस पार शो में विवेक का किरदार निभाकर मशहूर हो चुके अभिनेता आकाश आहूजा इन दिनों थपकी प्यार की सीजन 2 में अभिनय करते नजर आ रहे हैं, जहां इनके किरदार में कुछ नयापन देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं जब से रणदीप रॉय ने बालिका वधू सीजन 2 में एंट्री की है, तब से हमें कुछ नया भी देखने को मिल रहा है, और इस तरह से उन्होंने इनकी TRP गिरा दी है। नंबर 8, अंकित गुप्ता। इस लिस्ट की 8वीं और आखिरी कड़ी में अभिनेता अंकित गुप्ता का नाम शुमार है, जो इन दिनों उदारियां सीरियल में अभिनय करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनकी सीरियल में लव केमिस्ट्री आधी अधूरी दिखाई दे रही है, जिस वजह से इनकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। वहीं रणदीप रॉय और शिवांगी जोशी की लव केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी चल रही है, जिस वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, और इस तरह से रणदीप रॉय ने इनकी पॉपुलैरिटी गिरा दी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि रणदीप रॉय ने इन सब अभिनेताओं की TRP गिरा दी है? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।